एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और चैनल का नाम आप सभी को पता है, मैथ्स रास्ता। यस, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बारे में। आप सभी को पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr, और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और इस क्वेश्चन में जो वैल्यू पता करना है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th का है। लेसन है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम मिलकर रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स ओके आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस की बात की गई है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? दैट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसके इंटरनल स्पेस की बात बिल्कुल नहीं की गई है। तो 2πr जो फॉर्मूला है वो हमें इसमें यूज करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल्स हमें दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल, उनके रेडियस भी दिए हैं। कैलकुलेट करना है थर्ड सर्कल का रेडियस। और इसमें क्या बताया कि दोनों का सर्कमफ्रेंस, मतलब जो आउटर बाउंड्री है इसको अगर मेजर करते हैं और इसको भी अगर मेजर करके कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो सर्कमफ्रेंस ऐड करने पर इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, हम इसे फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड सर्कल। ठीक है, इसके रेडियस को हम R1 ले लेते हैं, इसके रेडियस को हम R2 लेंगे और इसके रेडियस को हम R रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 2πr1। ठीक है, इसकी बात की है हमने। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, फॉर्मूला सेम है, बस 2πr2 आएगा इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें R लेना है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, सो दैट इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है फर्स्ट और सेकंड, इसके सर्कमफ्रेंस को जब हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जब हम ऐड करते हैं तो 2πr1 प्लस 2πr2 इनके सर्कमफ्रेंस यहां पर थे, उन्हें हमने ऐड किया, तो वो किसके इक्वल आएगा? थर्ड के। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2πr। ठीक है, अब यहां तक तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो रेडियस की वैल्यू है वो हम इसमें इनपुट करते हैं। तो 2πr ऐसा सच रहेगा 2π, रेडियस कितना है r1 19 प्लस 2πr2 कितना है हमारा 9। अब देखिए यहां पर बार बार पाई की वैल्यू नहीं इनपुट करना है, वो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम 2πr यहाँ पर भी है 2πr वहां पर भी है तो वो क्या होता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा कर देगा, क्योंकि हम उसे क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2πr 2πr को कॉमन लेके इस 2πr के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr, सो दैट इज इक्वल टू 2πr कॉमन ले लिया है, 19 और ये 9 दोनों एड अप हो जाएंगे। अब हम इस 2πr को यहाँ पर भेजते हैं, सो 2πr/2πr दैट इज इक्वल टू 19 और 9 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये 2πr और 2πr कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड करते हैं और कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो उसका हमारा रेडियस पता चला है जो हमें कैलकुलेट करना था, जो है 28 सेंटीमीटर। ये मेरा पूरा कैलकुलेशन था, आप इसे देखिएगा, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। Bye bye, take care.